राज्य सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादनों पर प्रतिबंध लगा दिया है और बरेली में जगह जगह छापामारी भी की गई है। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई उत्पादन नहीं मिला है। और मेरी मौजूदगी बरेली के नौमेला मस्जिद में है, आप देख सकते हो तमाम जो मुसलमान भाईजान हैं वो नवाज पढ़कर यहाँ से निकले हैं। मैं इनसे इस पर एक राय जानना चाहूंगा और जिनसे पूछूंगा कि जिस राज्य सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है उसको लेकर बरेली के मुसलमान भाईजान क्या सोचते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पम्मी वारसी है। पम्मी जी जानो, आपने पता तो होगा ही हलाल इस पर जो प्रतिबंध लगाया है प्रमाणित उत्पादन को, उस राय उसके लिए आप क्या सोचते हैं, ठीक है या गलत है, आपकी क्या राय है उस पर? भाई जिस ट्रेडमार्क पे प्रतिबंध लगाया जाए गया है तो हमने तो अभी तक वो ट्रेडमार्क देखा नहीं है, या आपने देखा हो तो बताइए। तो हलाल जो है, एक हलाल जो जो शब्द है, हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़, तो हमें हर चीज़ जो है जायज़ खाना चाहिए और हलाल खाना चाहिए। तो हलाल केवल जो है जब हम लोग जानवर ज़िबा करते हैं या वो जानवर जो हम खाते हैं तो वो हलाल खाते हैं, ना कि हराम खाते हैं। तो वह यही बात है। और वो यहाँ पर ट्रेडमार्क की बात हो रही है तो हमने तो ट्रेडमार्क कोई देखा नहीं है, अगर किसी ने देखा हो तो बताइए। मेरा सवाल ये है, सरकार ने जो एक्शन लिया वो ठीक है, मुसलमान भाई इसका विरोध करते हैं या इसका क्या करते हैं? देखिए कहीं कोई फर्जी बाड़ा करके ऐसा कुछ कर रहा है तो गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन ले रही है तो ये बनता है नियम, अच्छा ना? हाँ अच्छा नियम है। और ऐसी गुमराही से लोगों को बचाना भी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ कोई ट्रेडमार्क नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, तमाम जो मुसलमान के जैसे स्टेशन साहब का बयान आया कि सरकार बयानबाजी कर रही है, इसको एक तो कह सकते हैं चुनावी वो है, उनके उसको क्या कहेंगे? देखिए चुनावी फंडा तो है पूरा पूरा सरकार का, चुनावी फंडा है, चुनावी फंडा है सीधा सीधा। दूसरा जो मुद्दे हैं, मुद्दों से भटकाने की बात होती है, मुद्दा होना चाहिए सड़क का, बेरोजगारी का। आज बेरोजगारी बिल्कुल, बरेली देख ली, बरेली की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, एक फैक्ट्री चालू करें, दो दो चार फैक्ट्री लगाएं ताकि यहाँ पर रोजगार बढ़े, प्रदेश में रोजगार हो। अब इन चीज़ों को जो मतलब पर्दा डालने के लिए ये मुद्दे फजूल के लाए जाते हैं बिल्कुल। खाने पीने का जो भी एक्शन है वो बात की बात है। और वहाँ अगर ट्रेडमार्क की बात हो रही है तो ट्रेडमार्क अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करें, ना कि अखबारों में या मीडिया के माध्यम से ज़्यादा करके करने की ज़रूरत है। हम जब हमारा जो है फूड डिपार्टमेंट का ट्रेडमार्क है तो वो वैलिड है, बात ख़त्म हो गई। आपका जनाब क्या नाम है? जी मेरा नाम शान अली है। मेरा भी आपसे ये सवाल है कि सरकार ने जो इस तरह का एक्शन लिया उसको लेके आप क्या सोचते हैं, ठीक है या गलत है? देखिए सबसे पहली बात जो समझने वाली वो ये है कि हलाल शब्द जो है वो सिर्फ जैसे कि मीट में इस्तेमाल होता है कि मुसलमान जो भी है वो हलाल मीट खाता है, झटके का मीट नहीं खाता है। रहा सवाल कोई भी उत्पादक किसी उत्पाद के अंदर जो होता है उसके अंदर कोई मांस की बिक्री नहीं होती है। हाँ ये ज़रूर है कि उन उत्पाद में कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी उत्पाद हो सकते हैं, अगर उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लग रहा है। हलाल क्या है भाई, वो खाली एक मुसलमानों के लिए नहीं है कि आदमी ये ना समझे कि खाली मुसलमानों के लिए है, हमारे ब्राह्मण हमारे हिंदू भाई जो शाकाहारी हैं ये उनके लिए भी है। आखिर गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है इसको खुल के बताए और इसको साफ साफ तरीके से बताए। अच्छा, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि इसका जो टैक्स वहाँ के आतंकवादी गतिविधियों में भी इसका पैसा इस्तेमाल, ये तो एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप है। देखिए आप एक बात जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के अंदर जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं वो यहाँ की हर राज्य की गवर्नमेंट की देखरेख में चल रहे हैं। हलाल मीट वहीं से आता है, उसका टैक्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जाता है, ना कि किसी मतलब आतंकवादी संगठन में। तो क्या सरकार की मंशा पर सवालात उठा रहे हैं आप, क्या ये उसके लिए समर्थन है आपका? नहीं है, नहीं समर्थन की पहले तो सरकार इस बात को साफ करे कि इसमें हलाल को क्या कहना चाह रही है, वो किस चीज़ का ट्रेडमार्क मतलब ख़त्म करना चाह रही है। हलाल का कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है, हलाल सिर्फ स्लॉटर हाउस के अंदर जानवर हलाल होते हैं जिसको बिस्मिल्ला अल्लाह अकबर करके ज़िबा किया जाता है, सिंपल सी बात है। मेरा भी आपसे यही सवाल है, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो यही कहना है कि मतलब ये मुद्दा अभी जो उठाए हैं, ये मुद्दा अभी उठाने का कोई टाइम ही नहीं है। ये अभी चुनाव का जो माहौल आ रहा है इस पर उन लोग को रोड पे काम करना चाहिए, कौन गरीब है नहीं है उन पे काम करना चाहिए, ना कि मुसलमान को आगे ऊपर उठा करके मुसलमान पे मतलब उनके धर्म पे काम किया जाए या किस पे काम किया जाए, ये गलत गलत बात है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। सरकार का गलत फैसला है, हाँ ये फैसला गलत है। अभी आपका क्या नाम है जनाब? अज़र हुसैन। आप बताइए आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि ये सब गलत ही है, कहीं से कोई भी अभी तक कोई मतलब पकड़ में नहीं आया कि ये हम पे ये जायज़ और नाजायज़ का हिसाब किताब है। बरेली शहर के अंदर तो कहीं पे पकड़ में नहीं आया, कितनी जगह छापे पड़ चुके हैं अभी तक। अच्छा, ये भी आरोप लग रहे हैं कि इसका जो टैक्स वसूला जाता है वो क्या है, आतंकवादी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ये सब गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा कहीं नहीं है। तो क्या सर का वसूल कौन दिया है, टैक्स कौन वसूल लिया है इसका? टैक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ तो कौन वसूल लिया है? गवर्नमेंट वसूल रही टैक्स तो, पब्लिक का आदमी तो कोई नहीं वसूल लिया है, सब गवर्नमेंट वसूल रही, तो गवर्नमेंट दे रही क्या मतलब जो है टैक्स? अच्छा ये जैसे ये इस क्या मानते हैं, ये फैसला सरकार का ठीक है या मतलब क्या है? ये सरकार जो कर रही वो तो ठीक ही कर रही है, लेकिन ये चुनाव का जो दौर चल रहा है ना, इसके लिहाज से गलत है, ये गलत है, गलत है। अच्छा मैं आपके पास मांगूंगा, आप आपकी क्या बनसा, आपको परचन, आप दोबारा बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कुछ नहीं है। अच्छा आपको नई जानकारी? अच्छा पम्मी भाई आप दोबारा से बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए इसके लिए। पूछिए जो सरकार ने किया है इस फैसले से संतुष्ट हैं आप क्या? देखिए मैंने अभी आपसे बिल्कुल क्लियर कहा कि सरकार अपनी एक तो मंशा क्लियर कर रही है, वो है क्या हलाला, एक तो बता वो सॉरी हलाल के बारे में हमें बताया कि वो हलाल किस चीज़ पर मतलब बैंड लगाना चाहते हैं, मतलब साफ करे क्या कहना चाह रही है सरकार? अच्छा सरकार अपनी मंशा साफ करे। हाँ। जी जी मतलब किस प्रकार का मतलब वो है मसला ये, मतलब देखिए हमारा हलाल तो मसला ये है, हमारा कोई टैग नहीं है, हमारा बस वही है जो हजरत ने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हल्के हल्के जानवर ज़बह होता है। नहीं जैसे विदेशों में यहाँ से अगर माल सप्लाई होता है मास वगैरह, तो उसमें भी तो एक तरह से कहता हूँ वो इससे लेंगे नहीं अगर। वो टैग वो तो जिसकी फैक्ट्री है उसका टैग होता है ना, वैसे तो वो हलाल ही जा रहा है ना यहाँ से, हलाल होके ही जा रहा है। जी 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 जितना भी यहाँ जो विदेशों में माल जाता है और हम लोग भी जो इस्तेमाल करते हैं वो हलाल ही इस्तेमाल करते हैं, और हमें तो ट्रेडमार्क आते देखा नहीं, ट्रेडमार्क की बात हो रही है तो ट्रेडमार्क हमने कहीं नहीं देखा। पहली बात विदेश में जो भी माल जाता है तो वो तो सरकार के ही थ्रू जाता है, जब सरकार के थ्रू जाता है तो उसका जो भी टैक्स वगैरह बनता है वो सरकार के पास जाता है, और सरकार कह रहा है ये आतंकवादी के पास जा रहा है, तो क्या सरकार सरकार नहीं करे, लोग आरोप लगाते हैं सरकार नहीं करे। अच्छा हाँ जो भी लोग लगा रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि जब सरकार टैक्स ले रहे हैं तो क्या सरकार टैक्स लेकर के आतंकवादी को दे रहे हैं सरकार तो। अच्छा आप जो बताइए, तो जो लगातार जैसे और तमाम नेता हैं मुस्लिम नेता वो भी कह रहे हैं एक तरह से ये चुनावी मुद्दा है कि इससे सरकार जब चुनाव होता है उसी टाइम चीज लेके आता, उस पर पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ तो करा है नहीं उत्तर प्रदेश में, सारी रोडें खराब हैं, अभी इलेक्शन जो लोकसभा का अभी इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने कहा था कि रबड़ फैक्ट्री जो है हम चालू करेंगे बरेली में, ना रबड़ फैक्ट्री चालू करी और आप रोड की हालत देख ली, ऐसी रोड की हालत है बरेली की, सारा दिमाग इधर उधर भटकाने के चक्कर में ये जो है इस तरह की चीजें लेकर आता कि पब्लिक का दिमाग बढ़ जाए। जी मुसलमान मेन तो मुसलमान का मुद्दा है ना, फिलहाल तो हमारा कोई टैग मार है ही नहीं, तो देख सकते हो तमाम जो मुस्लिम भाईजान उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है मुसलमानों को दिमाग बांटने के लिए ये नई चीजें लेके आती है, पब्लिक का दिमाग बांटने की चीजें लेके आती है, और हमारा तो कोई ऐसा इस टाइप का टैग भी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।